अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। आई नो आप मुझे इतने दिन से मिस कर रहे थे, दो तीन दिन से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी। एक्चुअली मैं ना बहुत ज़्यादा मतलब मैं टेंशन में और गुस्से में थी, जिस वजह से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी। और वो क्या रीज़न था वो मैं आपको भी बताती हूँ। तो यहाँ पे डोर्स की जो है वो आज पॉलिश हो रही है और घर का काम बस ख़त्म ही हो रहा है। और ये देखिए मेरे पास है छोटी सी मोनी, मिनी की बेटी, और माशाल्लाह कितनी प्यारी हो गई है ना, बड़ी हो गई है। अभी तक इसके दांत नहीं निकले हैं लेकिन आईज दोनों बहन भाई की ओपन होगी, माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पर ना नेबर्स के बच्चे आ गए थे छोटे बच्चों को देखने के लिए, तो वो देख रहे थे। और मैं इधर बना रही हूँ चिकन पास्ता या चिकन चाउमीन की तरह का ये होता है, ये वो वाला पास्ता है जिसकी आप रेसिपी मुझसे मांग रहे थे। तो ये मैंने उस टाइम रिकॉर्ड नहीं की थी लेकिन मैंने दोबारा बनाई है, और इसकी रेसिपी जो है मैंने अपने व्लॉग्स चैनल पर मैंने अपलोड कर दी हुई है, और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आप जाएँ, और आपको बहुत इंतज़ार था इस रेसिपी का तो जाके देख लें। और मैंने अपने उसी ब्लॉग में आपको अपने हेयर कैरेटिन से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन आपको सारी दे दी है, जो मैंने हेयर कैरेटिन अब करवाया है और अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर किया है। यहाँ मिनी को सॉरी ये है बिनी, बिनी को देखिए कैसे फ्लावर्स के अंदर बैठी हुई है। बिनी को ना बचपन से शौक था प्लांट्स में बैठने का। बिनी को हम लोगों ने जब ये छोटी सी थी 2 मंथ्स की, तो हमने ना ये मेरे ससुराल में दे दी थी अटक में, लेकिन वो वापस आए कुछ टाइम के बाद और वो बिनी को हमारे पास छोड़ कर चले गए। तो बिनी की भी एक स्टोरी है, तो वो मैं आपके साथ किसी और दिन शेयर करूँगी। और यहाँ माशाल्लाह बगीरा बच्चों के साथ बिल्कुल एडजस्ट हो गया है, बहुत खेलता है, हमारे साथ एडजस्ट हो गया है, सारा दिन माशाल्लाह खेलता है, बहुत एक्टिव बच्चा है। बस इसकी ईटिंग हैबिट्स जो हैं वो मेरे बच्चों से थोड़ी डिफरेंट हैं, लेकिन माशाल्लाह बिल्कुल एडजस्ट हो गया है यहाँ पे। मैं खाना खा तो लिया आपने जिगी? और किसी और से डोर्स सेट करवाए और अब माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गए, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी बाद में। और फिर उसके बाद मैंने और फुज़ैल ने थोड़ा सा घर का काम किया, प्लांट्स वगैरह वॉच की क्योंकि घर का काम हो चुका है। और फिर मैं चली गई थी बाज़ार क्योंकि मेरी सिस्टर की बर्थडे है, उसका व्लॉग भी शायद कल मैं डाल दूँगी अपने व्लॉग्स चैनल पर, तो उसके लिए कुछ गिफ्ट लेना था। और ये जो ब्लू वाली आप बेडशीट देख रहे हैं कम्फर्टर वाली, ये मैंने अपने लिए ली थी घर के लिए, तो उसका मैंने वहाँ से गिफ्ट परचेज किया। और फिर क्या हुआ, रात को हम सो रहे थे और उस दिन हम बहुत थक गए थे, तो अभी मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। और उस टाइम हमें एक बेबी के रोने की आवाज़ आई बेड के नीचे से, और हमने देखा तो जोए बेबीज़ डिलीवर कर रही थी। तो माशाल्लाह जोए के भी आज बेबीज़ हो गए हैं, और जोए ने 3 बच्चे डिलीवर किए थे, और इस टाइम जो है 3:30 बज रहे थे रात के।
और वो सुबह तक डिलीवर करती रही थी, और फिर मैं और फुजैल हम सुबह तक नहीं सोए उसके बच्चों के पास। डिफरेंट प्लेसेंटा होता है, उस बेबी का अपना होता है, और हर बेबी की दफ़ा कैट का प्लेसेंटा रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, वरना वो अगर कैट के अगर अंदर रह जाए तो वो फिर इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है और कैट की डेथ हो जाती है। हमारी जो साशा है बिल्लू की मम्मा, उसके साथ ऐसा ही हुआ था कि उसके अंदर प्लेसेंटा रह गया था, और हमने 3-4 डेज वेट किया लेकिन नहीं निकला। उसको ब्लीडिंग स्टार्ट होगी तो फिर हमारी मजबूरी थी कि हम उसको ऑपरेट करवा के उसको स्प्रे करवा दें, तो इसलिए हमने उसका फिर ऑपरेट करवा दिया था। तो आपने कैट की डिलीवरी के टाइम उसके पास रहना है और उस पर नज़र रखनी है कि वो क्या कर रही है और प्रॉपर डिलीवरी हो रही है कि नहीं हो रही है। कि ना अब जोई के पास ये साशा आई हुई है, और अब माशाल्लाह साशा बिल्कुल हेल्दी और रिकवर है। अगर उस टाइम हम साशा को ना देखते तो खुदा ना खास्ता साशा भी हमारे साथ ना होती। अच्छा, यहाँ पर जोई ने काफ़ी देर के बाद प्लेसेंटा निकाला। फर्स्ट बेबी का प्लेसेंटा तो ये खा चुकी थी, ये मदर्स खा जाती हैं क्योंकि इससे ना उनको एनर्जी मिलती है, तो ये खा जाती हैं। फर्स्ट बेबी का इसने खा लिया, बाकी के जो दो बेबीज इसने पैदा किए तो उसका जो है ना, उन दोनों बच्चों का प्लेसेंटा इसने नहीं खाया। फिर हमने उसको खुद ही फिर बच्चों के ना कॉर्ड जो है उसको हमने कट करके उसको दूर कर दिया था, रिमूव कर दिया और फेंक दिया उसको। ये भी बहुत बड़ी लोगों की मिथ है कि इसको घर में रखो तो रिस्क आता है प्लेसेंटा, ये इसको झिल्ली कहते हैं ना, बिल्ली की झिल्ली या पता नहीं झाल कहते हैं आई थिंक, कि इसको रखो तो रिस्क आता है। ये सरासर गलत बातें हैं और इन बातों को हम लोग तो फॉलो नहीं करते, तो मैंने तो फेंक दिया था। मुंह में पानी, मुंह में पानी आ गया। ये भी सब मफिन के ही बच्चे हैं, और मफिन ना जोई जो है ना, जोई को मफिन बचपन से बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। हर वक्त ना जोई बचपन में भी हम मफिन के इर्द गिर्द फिरती रहती थी, उसको ना एक्शन दिखाती थी, इंप्रेस करने की कोशिश करती थी। तो मैं बचपन से ना, जब ये छोटी सी थी तो मैं कहती होती थी कि ना मफिन जोई का क्रश है, जोई को बहुत मफिन पसंद था। अब तो माशाल्लाह माशाल्लाह जोई 3 साल की है, तो लेकिन जोई को मफिन बहुत अच्छा लगता था, और ये अब सारे बच्चे जो हैं ये भी मफिन के ही हैं।
बहुत थक चुकी हूँ, तो मिलूंगी अब आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में, और फिर आपको बच्चे दिखाऊंगी कि आप कैसे हो गए हैं और कैसे लग रहे हैं। और यहाँ पे देखें छोटी मिनी, और पता नहीं आई थिंक ये मैक्स है छोटा, उसके साथ सो रही है। तो मिलूंगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।